और पापा उठ गए हैं सो के। और बच्चे भी क्या खा रहे हो आप? चाय बिस्किट, ओरियो वाले बिस्किट और पार्ले जी। पार्ले जी तो पापा खाते हैं। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सारे जने? मैं क्या जी, की हाल चाल है तुहाडे सारिआं दा? वधिया हैगा, चलो वधिया ही होना चाहिए है। तो आज क्या हो रहा है? आज शर्मा जी के ऑफिस का उद्घाटन हो रहा है, जिसको बोलते हैं। तो आज हम लोग सारे इस तैयारी में लगे हुए हैं। आज उनके ऑफिस का हवन होगा और अभी हम लोग तैयार हो रहे हैं और वचस्वी को तैयार करके मैंने भेज दिया है। और अभी हम लोग थोड़ा सा सामान लेके जाएंगे और अब शर्मा जी वहाँ पे गए हैं थोड़ा सामान रखने के लिए। अभी वो आएंगे, वो फिर सामान लेके जाएंगे और फिर वो वहाँ रखेंगे, क्योंकि वो घर से थोड़ा दूर है ऑफिस। तो इस करके हम लोग आज तैयारियाँ कर रहे हैं सारी। तो अगर हम लोग ऑफिस का मतलब उद्घाटन कर देंगे, हवन वगैरह कर देंगे, तो वो शुरू हो जाएगा, नहीं तो वो शुरू नहीं होने वाला। इस करके हमने सोच लिया है कि आज हम उसका हवन करते हैं। हो गई है हवन के लिए। वर्चस्वी आईज दिखाना अपनी, वर्चस्वी आईज दिखाओ, ऊपर आईज करके दिखाओ। वर्चस्वी ने आज आईलाइनर लगाया, दिखाना। वाओ, बड़ी क्यूट लग रही है आज तो। ये देखो, ये भी मैंने भर लिया है, धोके इसको भरते हैं शायद। ये कुछ प्लेटें वगैरह भी वहां पे चाहिए थी, प्लेटें भी ले लिया है। और इसमें मैंने अच्छे से हलवा भर लिया है। अब तैयारियां हो रही है जोरों तोरों से। तो हमारे ऑफिस का हवन है। ओ राम, ये तो बहुत भारी है। 2 किलो पानी नहीं, और बहुत भारी है। चलो अब हम इन्हें लेके चलते हैं। आप देख रहे हो, हमने यहाँ पे हवन की पूरी अच्छे से तैयारी कर ली है। और यहाँ पे भी कुछ सीमेंट क्या लेके आए हो आप ऊपर से? सीमेंट पे जान है। इसे हाथ कटते हैं ना सीमेंट से। ये देखो गणेश जी, ये रे पर जला लेंगे आसपास। ये हवन की तैयारी हो रही है। करते करते ना वचस्वी के आईस में पानी आने लग गया, दिखाना वचस्वी। और मैं वचस्वी के लिए मैगी खिलाई थी और वचस्वी मैगी खा रही है। जिस तरह का भी व्यू है ये, आज हम इनके ऑफिस में आए हुए हैं तो मैं वहां से ले रही हूँ ये सारा। तो अब हमारा जो हवन है वो पूरा हो गया है। तो पहले हमने गणेश जी की पूजा करी थी, ये देखो। तो जो हमारा हवन है वो अभी खत्म हो चुका है। तो भगवान ने तो हमें आशीर्वाद दे दिया है और सास ससुर जी ने भी आशीर्वाद दे दिया। और आपका ये देखो, ये तो आप ही बताओगे, दोगे या नहीं दोगे? नहीं नहीं जरूर देंगे, ऐसी क्या बात है, सब अपने ही बच्चे हैं। चलो ठीक है, बच्चों को आशीर्वाद देना। अभी तक तो प्रेम से आप वीडियो देखते थे, अब जो है इस नए ऑफिस के अंदर आपको और नई नई चीजें मिलेंगी देखने को। तो आपका आशीर्वाद भी जरूरी है, क्योंकि आप सब भगवान के ही बच्चे हो। ये कुछ ऑफिस के बाहर का व्यू है, हरियाली हरियाली ज्यादा है यहाँ पे, तो पेड़ पौधे। हमारा हवन है वो खत्म हो गया है और अब हम घर की ओर जा रहे हैं। तो घर में टमाटर तो थे नहीं, मैंने चनों में आज सॉस का तड़का लगा दिया, देखो। मैंने ये खाना रेडी कर दिया है सबके लिए खाने के लिए और अब खाना शुरू करते हैं। मैंने आज पूरी और चने की सब्जी बनाई थी और साथ में रायता भी बनाया था। काले बादल हैं, लगता है फिर दोबारा से बारिश होने वाली है। ये कोरोना नहीं ठीक होगा, क्योंकि गर्मी तो पड़ ही नहीं रही है। गर्मी पड़ेगी तो कोरोना ठीक होगा ना। ऐसी रोज रोज बारिश होती रही तो ये मुझे तो लगता नहीं ठीक होने वाला है। तो अभी शर्मा जी और मुझे थोड़ा मार्केट जाना है सामान लेने के लिए, घर का राशन।
तो अभी वो थोड़ा काम कर रहे हैं, तो मैं उनको बोल के आई हूँ आप काम करो और फिर हम लोग चलते हैं, नहीं तो दोबारा से अगर बारिश शुरू हो गई तो घर में टमाटर नहीं आएंगे। टमाटर कल से ख़त्म हो रहे हैं। रात को भी मैंने टमाटो केचप डाल के सब्जी बनाई थी और सुबह भी टमाटो केचप डाल के सब्जी बनाई थी, और अब टमाटो केचप नहीं डालूंगी। टमाटर लेके आने हैं तो आने हैं बस। तो कोई कह रहा था कि मैम आप लाइव करो शर्मा जी के साथ। हाँ जी ज़रूर करेंगे लाइव, आप लोगों को पसंद है तो हम लोग ज़रूर करेंगे। अभी मुझे शर्मा जी बोल रहे थे लाइव करना था, तो अभी देखते हैं एक दो दिन में, क्या पता कल ही कर दें, तो ज़रूर करेंगे लाइव। तो कोई मुझे कह रहा था कि मैम क्लॉक आपने सोफे पे रखी हुई है। अभी टाइम हो रहा है शायद से 7:30, हाँ 7:30 ही हो रहे हैं, देखो सच में 7:30 हो रहे हैं। और आप घर की सफाई नहीं करते हो यार, आपको पता नहीं है लॉकडाउन चल रहा है और मोदी जी ने क्या बोला है? देश में जहां भी है वहीं रहे। तो जो घड़ी पड़ी है वो प्लीज वहीं रहने दो, जहां सोफा पड़ा हुआ है वो सोफा वहीं रहने दो, जो चीज जहां पड़ी है ना उसको हिलाना नहीं है जब तक लॉकडाउन है। आपको पता नहीं मोदी जी ने ये बोला और फिर आप बोल रहे हो आप घड़ी उठा के कहीं और रखो, आप सफाई नहीं करते हो। तो यार जो मोदी जी ने बोला है हमें वो सारा काम करना पड़ेगा। अब उन्होंने बोला कि घर से बाहर नहीं निकलना, तो हम घर से बाहर नहीं निकल रहे ना, तो इस करके मैंने घड़ी भी नहीं हटाई है, घड़ी भी ऐसी ही रखी हुई है। कोई बात नहीं, जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा फिर मैं घड़ी भी उठा दूंगी। यार मजाक कर रही हूँ, सीरियसली मत लेना, जैसे आपने मुझे मजाक में लिख के दिया और ऐसे मैं भी आपको मजाक में आंसर दे रही हूँ। तो कोई कह रहा था मैम प्लीज़ पंजाबी च व्लॉग बनाया करो। जी कोई गल नहीं जी, जे तुहानू मेरी पंजाबी पसंद है तो कोई गल नहीं, मैं जरूर पंजाबी च व्लॉग बनाया करांगी, कोई टेंशन वाली गल नहीं हैगी है। जिथे तुसी खुश हो उत्थे मैं खुश हाँ, कोई गल नहीं। कह रहा था कि शर्मा जी कौन सा फ़ोन चलाते हैं, अभी मैं पूछती हूँ जाके, ऐसे मैं इतना ध्यान नहीं रखती हूँ वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, कौन सा फ़ोन चलाते हैं ध्यान नहीं रखती हूँ, बहुत ध्यान रखती हूँ मैं। तो वो मेरे ख्याल से एक तो वो आईफोन चलाते हैं और एक दूसरा मेरे ख्याल से सैमसंग का है, एक बार जाके देखती हूँ कौन सा फ़ोन वो चलाते हैं फिर बताती हूँ कि हाँ देख लो यही वाला फ़ोन चलाते हैं। उनके अंदर बहुत प्यार है, जहाँ प्यार है वहाँ लड़ाई भी है। आपको पता है ना कि जिससे हम प्यार करते हैं उससे हमारी लड़ाई भी बहुत होती है। तो कोई बोल रहा था कि शर्मा जी के फ़ोन सारे कहाँ पड़े हुए हैं, ये तो हाँ ये जवाब है, मैं शर्मा जी के फ़ोन ना सारे देखूंगी। एक्चुअल में मुझे खुद को नहीं पता उन्होंने अपने फ़ोन सारे कहाँ रखे हुए हैं। जब से हम लोग दिल्ली से आए हैं आपको पता है हमारा आधा सामान नहीं खुला है, हमने आधा सामान ही अपने खोला है, लेकिन अब ये क्या कुछ बीच में ऐसा हो गया है लॉकडाउन के कारण सब घर में है कोई बाहर नहीं जा रहा है, तो सामान अब हम लोग खोलेंगे तो फिर पता चलेगा कि उनके फ़ोन कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं। वैसे मुझे पता है उनके फ़ोन कहाँ है, वो बड़े वाले डब्बे में ही है जो मैंने आपको दिखाया था। तो शर्मा जी और मैं अभी मार्केट गए थे थोड़ा सा सामान लेने, टमाटर लेने और लिमका लेने और बताओ और चश्मी और क्या लेने गए थे हम, और आटा लेने। तो थोड़ा थोड़ा बाजार जो है वो खुल रहा है तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। अब आगे आने वाले टाइम में मुझे लगता है थोड़ी थोड़ी मार्केट्स खुल जाएंगी। और भाई पुलिस का भी नाका लगा हुआ है, पुलिस भी बैठी हुई है। लिमका खट्टी है, लिमका खट्टी है, किसी ने सुना है लिमका खट्टी होती है? हाँ, मैं भी पी के देखती हूँ कहीं उसने सड़ी हुई तो नहीं दी थी हमें लिमका। ये नहीं कह रही कि सारे मुंह में डाल लिए, पता क्या कह रही, सारे बिर लिए। बिर लिए क्या होते हैं यार? गोलगप्पे यार, गोलगप्पों के लिए तो तरसे पड़े हैं काय के गोलगप्पे यहाँ सब। चलो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा, अगर मेरा कैमरा अच्छा लगा तो लाइक करना, अगर आपको हमारा कैमरा अच्छा लगा तो लाइक करो शेयर करो टीवी के लिए, अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करो शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, याद है ना। चलो बाय बाय, बहुत हो गया, चलो बाय बाय।